हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इन दिस वीडियो आई एम बैक विथ सम अदर एडवांस स्ट्रक्चर। एंड दिस एडवांस स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमन एंड विच इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द कॉमन नेटिव स्पीकर। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड यू विल फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस एडवांस स्ट्रक्चर ऑन योर डेली कन्वर्सेशन। इट विल बी नॉट ओनली इंक्रीज योर स्पीकिंग स्टाइल बट ऑल्सो इंक्रीज योर वे ऑफ टॉकिंग। सो द एडवांस स्ट्रक्चर इज दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स सच तो यह है, वास्तव में यह हकीकत। सो लेट मी गिव द एग्जाम्पल, इट विल बी मोर ईजी। सच तो यह है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई मदर लव्स मी अ लॉट। सच तो यह है कि कोरोना वायरस ने सबकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोरोना वायरस हैज स्पॉइल्ड एवरी वन लाइफ। सच तो यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हमें 3 महीने में फ्लुएंट स्पीकर नहीं बना सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो एनी इंस्टीट्यूट कैन मेक अस ए फ्लुएंट स्पीकर इन जस्ट 3 मंथ। सच तो यह है कि मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई लाइक ईटिंग स्वीट्स। सच तो यह है कि जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, मेरी बहन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द गर्ल विथ हुम यू आर टॉकिंग इज नन अदर देन माई सिस्टर। सच तो यह है कि मैंने हार्ड वर्क किया लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिड ए हार्ड वर्क बट आई कुडंट पास द एग्जाम और आई गॉट फेल्ड इन एग्जाम। सच तो यह है कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉन्ट टू बिकम ए यूट्यूबर बट आई डोंट हैव एनी गुड फोन। हकीकत तो यह है कि वह लड़का काफ़ी गरीब है बट वो लोगों की मदद करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज ए पुअर पर्सन बट ही हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल। सच तो यह है कि मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ बट मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मोर देन 2 ईयर्स बट आई एम नॉट फ्लुएंट स्पीकर। सच तो यह कि मेरा भाई मेरे लिए रूम को साफ नहीं करता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई ब्रदर डज नॉट क्लीन द रूम ऑन द बिहाफ ऑफ मी। सो आई होप यू हैव गॉट ए लिटिल बिट इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो एंड यू विल यूटिलाइज दिस एडवांस स्ट्रक्चर on your daily basis conversation so that you can remember all the things. And before going to end of the video, I have come across one another example. That example is that सच तो यह है कि मेरे कॉलेज में काफ़ी लड़कियाँ थी but मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर वर लॉट्स ऑफ गर्ल इन माई कॉलेज बट आई डिडंट प्रपोज एनी वन। सो दिस आर द फनी एग्जाम्पल। You can also correlate with your life with this advanced structure and you can learn English with funny example. So learning English is also a kind of funny style. Not give so much tension, because if you give so much tension to learn English, it will be kind of hectic. So I will meet in the next video with some advanced structure. So take care, have a good day, enjoy your life, have fun.